हेलो माय डियर चिल्ड्रन कैसे हैं आप सब आई होप यू आर हेल इन हार्ट एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग अ पर्टिकुलर लेसन इन ग्रामर अ पर्टिकुलर टॉपिक इन ग्रामर जिससे सभी बच्चों को बहुत डर लगता है उन्हें लगता है कि इसमें तो कभी हमारे फुल मार्क्स आ ही नहीं सकते लेकिन बच्चों आज मैं तुम्हें इतनी ईजी तरीके से टेंसेज समझाऊँगी कि आई प्रोमिस यू कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे और समझ लेंगे तो कभी भी टेंसेस के अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब्स के अंदर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर मैंने यूजेस क्लूज ट्रांसलेशन और छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स भी ऐड की हैं जिससे आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे हमेशा आप सिक्योर करेंगे टेंसेस में बहुत बढ़िया मार्क्स और बच्चों टेंसेस तो ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही छोटी क्लासेस से शुरू हो जाता है अगर मैं नाइन्थ टू ट्वेल्थ की बात करूँ तो उनमें तो हमेशा आता ही है कॉलेज लेवल पर भी टेंसेज आते हैं और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी टेंसेज हमेशा ही पूछे जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं और होपफुली तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद बहुत बढ़िया लगे और अच्छे से टेंसेज समझ में आ जाए और मुझे वीडियो देख ज़रूर बताना कि तुम्हें मेरी मेहनत कैसी लगी अब शुरू करते हैं टेंसेस बच्चों इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैंने केवल प्रेजेंट टेंस को लिया है क्योंकि अगर मैं सारे टेंस लेते तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता तो भी मैं इसमें केवल डिटेल्ड तुम्हें प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी लुक एट दीज सेंटेंसेस आई प्ले क्रिकेट आई प्लेड क्रिकेट एंड आई शेल प्ले क्रिकेट अब बच्चों इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर तुम्हें जो रेड वर्ड्स हैं इनके ऊपर ध्यान करो प्ले प्लेड शेल प्ले ये तीनों बच्चों वर्ब है क्रिया है ठीक है एक्शन है और ये तीनों ही सेंटेंस पूरा सेम है सब्जेक्ट भी सेम है ऑब्जेक्ट भी सेम है लेकिन केवल इन तीन अलग अलग वर्ड्स की वजह से इन तीनों सेंटेंसेस के टेंस चेंज हो गए आई प्ले क्रिकेट प्रेजेंट टेंस आई प्लेड क्रिकेट पास्ट टेंस एंड आई शेल प्ले क्रिकेट फ्यूचर टेंस तो बच्चों ये जो प्ले प्लेड और शेल प्ले है या मैं कहूँ ये जो वर्ब है यही हमें फिल करनी आती है एग्जाम्स के अंदर द टेंसेज मे बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बींग बच्चों एक सेंटेंस के वर्ब से क्रिया से हमें ये पता चलता है कि उस सेंटेंस का टेंस कौन सा है वो प्रेजेंट का है पास्ट का है या फिर फ्यूचर का है बच्चों टेंस जो वर्ड है ना ये टेम्पस वर्ड से बना है जो एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका मतलब होता है टाइम यानी कि टेंस से हमें टाइम का पता चलता है समय का पता चलता है कि ये प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल है पास्ट यानी कि भूतकाल है या फ्यूचर भविष्य काल है टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन टाइम कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स अब बच्चों टाइम को जो कि मैंने अभी अभी बताया तीन पार्ट्स में हम बांट सकते हैं प्रेजेंट वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है पास्ट भूतकाल जो बीत चुका और फ्यूचर भविष्य काल आने वाला काल जो अभी आएगा जो समय अभी आया नहीं है आगे आने वाला है अब बच्चों इन तीन टेंसेस को आगे हम चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इनडेफिनेट या सिंपल कॉन्टिन्यूस या प्रोग्रेसिव परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैं देर आर ट्वेल्व टेंसेज और इस प्रकार से हमें बारह टेंसेस मिल जाते हैं देखो कौन कौन से बारह पहले प्रेजेंट की बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जाना जाता है ये प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस ये बच्चों जो मैंने भी चार पढ़े इस वीडियो में मैंने डिटेल में इन चारों को ही डिस्क्राइब किया है पास्ट भी बच्चों चार भागों में बढ़ जाता है पास्ट इंडेफिनेट या सिंपल पास्ट पास्ट कॉन्टीन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कैन बी डिवाइडेड इन टू फोर पार्ट्स सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर इंडेफिनेट फ्यूचर कॉन्टीन्यूस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो इस तरह से बच्चों हमारे पास टोटल ट्वेल्व टेंसेज हो गए और इस वीडियो में हम चार टेंसेज की बात करेंगे प्रेजेंट के चार पार्ट्स की बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस जो कि जाना जाता है सिंपल प्रेजेंट जो पहला पार्ट है हमारा या तो सिंपल प्रेजेंट के नाम से या फिर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस ठीक है बच्चों सबसे पहले इसकी हिंदी पहचान की बात करते हैं आप हिंदी में किस सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इनडेफिनेट का है तो बच्चों सेंटेंस के एंड में अंत में लगा होगा ता है ते है ती है या ते हैं जैसे राम खाना खाता है सीता गाना गाती है बच्चे खेल खेलते हैं ठीक है तो ये देखो ताहे है, ते है ती है जिन सेंटेंसेस के हिंदी के अंदर एंड में लगा होगा वहाँ पर हम भरेंगे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इन टेंस अब भरेंगे क्या तो इस टेंस का रूल रहेगा वी वन प्लस एस और ई एस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ हम या तो एस सी एस लगाएंगे या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एस सी एस नहीं लगाएंगे जो मैं तुम्हें आगे बताऊंगी कि, कि किसके साथ लगेगा किसके साथ नहीं लगेगा तो सिंपल टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चों सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर मैं आगे बताऊंगी क्या लगेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट बच्चों ट्रांसलेशन से समझो तुम इस बात को हिंदी में एक मैं सेंटेंस लेती हूँ मैं बाजार जाता हूँ ठीक है यहाँ पर हिंदी की मैं बात करूँ तो मैं हो गया सब्जेक्ट बाजार हो गया ऑब्जेक्ट और जाता हूँ हो गई वर्ब यानी कि क्रिया तो हिंदी में एक सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होती है पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब वर्ब इसमें एंड में जाता है ठीक है लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है बच्चों दूसरा सेंटेंस देखो अगर मैं इसी की इंग्लिश कन्वर्ट कर दूं मैं बाजार जाता हूँ आई गो टू मार्केट ठीक है मैं आई जाता हूँ गो टू बाजार मार्केट ठीक है अब आई तो हो गया सब्जेक्ट हिंदी में भी सब्जेक्ट नंबर एक पे था इंग्लिश में भी लेकिन बच्चों देखो उसके बाद मेरी वर्ब आ गई गो आ गई और गो क्या है मेरी वर्ब क्रिया और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट तो इंग्लिश के अंदर जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो होती है पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और हिंदी में क्या थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब इंग्लिश में वर्ब आ जाएगा बेटा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगेगा और सब्जेक्ट के अनुसार ही लगेगा ठीक है जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार ही हमें इसको फिल करना है वर्ब डिसाइड्स द टेंस वर्ब यानी कि जो क्रिया है उससे डिसाइड होता है कि टेंस कौन सा है अब बच्चों पहले वर्ब की बात करते हैं क्रिया किसी काम का होना ठीक है जैसे खाना पीना सोना खेलना रोना हंसना नाचना ठीक है ये इतने सारे जो मैंने वर्ड्स बोले ये सारे क्रिया है एक्शन है वर्ब है इंग्लिश में ना वर्ब तीन होती हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टेंसेस आने से पहले तुम्हें ये चीज़ें आनी चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है सेकेंड फॉर्म कौन सी है थर्ड फॉर्म कौन सी क्योंकि हम सारे टेंसेस में V1 भी यूज़ करेंगे V2 टू यानी कि सेकेंड फॉर्म भी यूज़ करेंगे और V3 थ्री यानी कि थर्ड फॉर्म भी यूज़ करेंगे कुछ मैंने तुम्हें यहाँ पर लिखी हैं ये तुम्हें ईजिली कहीं भी मिल जाएंगे तो मैंने लर्न कर लेना सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं गो वेंट गोन जाना प्ले खेलना प्ले प्लेड प्लेड टीच पढ़ाना टीच टॉट टॉट कट काटना कट कट कट, कट तीनों सेम ही रहती हैं कम आना कम केम कम लीव छोड़ना लीव लेफ्ट लेफ्ट कॉल कॉल करना या बुलाना कॉल कोल्ड कोल्ड डू करना डू डिड डन टेल कहना या बताना टेल टोल्ड टोल्ड सिंग गाना सिंग सैंग संग तो इस तरह से बच्चों वर्ब की तीन फॉर्म होती हैं फर्स्ट सेकंड, थर्ड और अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जो पहली पहली लाइन के नीचे लिखी हुई है ना सारी वो की वही यूज करेंगे एक वेरिएशन ये होगा कि किसी सब्जेक्ट के आगे हमें सिंपल ये गो का गो ही रखेंगे किसी के आगे गोस हो जाएगा तो चलो ये भी तुम्हें बताते हैं कैसे क्या होगा लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की सेंटेंस तीन प्रकार के होंगे और हम तीनों प्रकार के ट्रांसलेशन इस वीडियो के अंदर सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस जैसे सीता सिंग्स अ सॉन्ग नेगेटिव जिसमें नोट लगा हो यानी कि नहीं जैसे सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। और इंटेरोगेटिव जिसमें प्रश्नवाचक हो प्रश्न पूछा गया हो जैसे डज सीता सिंग अ सॉन्ग लास्ट में देखो तुम क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये तीन तरह के सेंटेंसेस हम ट्रांसलेशन में इस वीडियो के अंदर हर टेंस के डिस्कस भी करेंगे अब इन्हीं के अंदर हम पहले डिस्कस करेंगे रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल रहेगा बच्चों V1 वन प्लस एस और ई एस जैसे सीता ईट्स चॉकलेट नेगेटिव में क्या रहेगा नेगेटिव में बच्चों डू do या डज लगेंगे उसके बाद लगेगा नेगेटिव वाला नोट ठीक है डू डज प्लस नोट प्लस वी वन और इंटेरोगेटिव में डू do डज फिर से लगेंगे लेकिन ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट जैसे किसी में एस सी एस लगेगा किसी में नहीं लगेगा तो मैं तुम्हें अब बताती हूँ कुछ सेंटेंस कुछ सब्जेक्ट एक्चुअली जिनके आगे तुम्हें देखना है एस सी S लगेगा या नहीं लगेगा बच्चों ये जो लिस्ट तुम्हारे सामने है अभी स्क्रीन के ऊपर तुम्हें ये अच्छे से लर्न करनी है क्योंकि ये चीज तो लर्न करने से ही आएगी कि, कि किस सब्जेक्ट के आगे एस लगेगा किसके आगे एस नहीं लगेगा देखो आई एस सी एस नहीं लगेगा वी एस सी एस नहीं लगेगा यू एस सी एस नहीं लगेगा और दे एस सी एस नहीं लगेगा सबसे पहले मैं तुम्हें राय दूंगी तुम प्रॉपरली ये लिस्ट याद करो आई वी यू दे ही शी इट राम फॉर एवरी बॉय सीता फॉर एवरी गर्ल सिंगुलर एक वचन प्लूरल बहुवचन ये पूरी लिस्ट तुम लर्न कर लो क्योंकि मैं आगे जितने भी टेंस समझाऊंगी तो मैं यही सब्जेक्ट्स लगा के बताऊंगी कि किसमें क्या क्या वेरिएशन होंगे क्या क्या रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होंगे आई मतलब मैं वी मतलब हम यू तुम दे, वे, ही वह यानी कि लड़की इट किसी वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं और जानवरों के लिए भी प्रयोग करते हैं राम किसी भी लड़के का नाम तुम लगा सकते हो राम राहुल रोहित कुछ भी सीता या किसी भी लड़की का नाम सीता स्नेहा नेहा कुछ भी सिंगुलर जैसे मैंगो एक वचन और प्लूरल यानी कि मैंगोज बहुवचन तो बच्चों ये सब्जेक्ट्स होते हैं जो इंग्लिश में हमारे रेगुलरली यूज होते हैं ठीक है इनके आगे अब मैं बताती हूँ किसके आगे एस एस ई सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगेगा किसके आगे नहीं लगेगा चार में बता चुकी थी आई वी यू दे के आगे एस सी एस नहीं लगेगा ही के आगे एस सी एस लगेगा शी के आगे भी एस सी एस लगेगा और इट के आगे भी एस सी एस लगेगा राम या सीता किसी भी लड़का या लड़की के नाम के आगे एस सी एस लगेगा सिंगुलर एक वचन के आगे एस सी एस लगेगा और प्लूरल बहुवचन के आगे एस सी एस नहीं लगेगा तो बच्चों ये लिस्ट तो तुम्हें बहुत अच्छे से लर्न करनी है ताकि तुम्हें ये याद हो जाए कि किस सब्जेक्ट के आगे एस सी एस लगेगा और किसके साथ एस सी एस नहीं लगेगा अब देखो बच्चों को सेंटेंस में तुम्हें इन्हीं से फ्रेम करके दिखाती हूं कैसे आई एस सी एस नहीं लगेगा ठीक है आई लव इंडिया अब देखो लव मेरी वर्ब थी मैंने नहीं लगाया आई वी यू दे चारों में ही मैंने बताया था एस सी एस नहीं लगेगा आई लव इंडिया वी लव इंडिया यू लव इंडिया दे लव इंडिया देखो बच्चों मैंने किसी में भी ई एस या एस का प्रयोग नहीं किया क्योंकि जो मेरे पहले चार सब्जेक्ट हैं आई वी यू दे इनमें एस सी एस मुझे नहीं लगाना ही शी इट किसी भी लड़के का का नाम किसी भी लड़की का नाम इन पाँचों के आगे एस सी एस लगेगा अब देखो एग्जाम्पल ही लव्स इंडिया शी लव्स इंडिया इट लव्स इंडिया राहुल लव्स इंडिया सोनम लव्ज इंडिया ठीक है इन पाँचों के आगे एस एस लग रहा है और यहाँ पर मैंने लगा दिया सिंगुलर के आगे एसी एस लगेगा हनी यानी कि शहद अब देखो टेस्ट ऐस लगाया ना मैंने टेस्ट के आगे स्वीट हनी मीठा होता है और प्लूरल के आगे एस एस नहीं लगेगा रोजेज स्मेल स्वीट अब देखो रोजेज प्लूरल में हो गए ना गुलाब के फूल स्मेल आ गए यहाँ पर स्मेल्स नहीं आया स्मेल्स का बात जब ये रोज़ होता रोज़ स्मेल्स स्वीट क्योंकि रोज हो जाता सिंगुलर और सिंगुलर के आगे एस एस लगेगा लेकिन यहाँ पर रोजेस था जो कि प्लूरल था बहुवचन था इसलिए इसके आगे एससीएस नहीं लगा तो बच्चों ये लिस्ट तो तुम्हारे लिए याद करनी बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर ऐस लगेगा कहाँ पर नहीं या तो स्क्रीन ले लो या अपनी कॉपीज़ के अंदर लिख लो ये अच्छे से तुम लर्न कर लेना अब आगे चलते हैं बच्चों ट्रांसलेशन देखते हैं कैसे हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करें एग्जाम्पल लेते हैं सारे एग्जाम्पल होंगे बेटा ता है ते है ती है के क्यों हम सिंपल प्रेजेंट डिस्कस कर रहे हैं और उसकी हिंदी पहचान है ता है ते है ती है जैसे सरला खाना खाती है ठीक है अब देखो सब्जेक्ट फॉर्मेशन इंग्लिश में क्या होगी पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट ठीक है यहां पर हिंदी में हमें वर्ब लास्ट में मिलेगी लेकिन हमें इसको सेकेंड प्लेस पर शिफ्ट करना है सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो मैंने अभी बताया किसके आगे एस सी एस लगेगा किसके आगे एस सी एस नहीं लगेगा सरला सरला का तो सरला ही हो गया इंग्लिश में नाम लड़की का नाम है अब ध्यान करो लड़की के नाम के आगे मैंने एस सी एस बताया था या नहीं बताया था किसी भी लड़का या लड़की के नाम के आगे एस सी एस लगेगा अब खाती है तो खाने की इंग्लिश क्या होती है ईट तो अब एट्स लग रहा है तो ईट्स हो जाएगा ई ए टी एस और खाना की इंग्लिश हो गई फूड तो हमारी इंग्लिश बन गई सरला ईट्स फूड आया बच्चों को समझ में कुछ हो रहाएगा आगे देखो रमा नाचती है रमा फिर से एक लड़की का नाम है नाचने की इंग्लिश हो गई डांस रमा नाचती है रमा डांसस क्यों क्योंकि किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे एस ई एस लगेगा वर्ब के अंदर मैं पढ़ता हूँ मैं मतलब आए पढ़ना की इंग्लिश दो हो सकती हैं या तो रीड भी या स्टडी भी ठीक है अब बेटा आई के आगे एस सी एस नहीं लग रहा था याद करो आई लव इंडिया है ना एस सी एस नहीं लगा था लव में तो आई रीड या आई स्टडी तुम बाज़ार जाते हो तुम तुम मतलब यू बाज़ार मतलब मार्केट जाने की इंग्लिश गो अब यू के आगे एस सी एस नहीं लगता यू गो टू मतलब द मतलब मार्केट

और अपने अपने कंसर्न टीचर्स को इंग्लिश टीचर्स को भेजोगे और उनसे पूछोगे कि उन्होंने ठीक किया कि नहीं मैंने यहाँ पर ना वर्ब की फॉर्म की इंग्लिश तुम्हें दे दी है ताकि तुम्हें थोड़ा इजी हो जाए मेरा जन्मदिन सत्रह दिसंबर को आता है तो दिसंबर को आना मतलब बर्थडे जब आता है तो उसको फॉल कहते हैं तो वर्ब लगेगी फॉल सूर्य पूर्व दिशा में उगता है उगने की इंग्लिश होती है बच्चों राइज वे फुटबॉल खेलते हैं खेलने की इंग्लिश प्ले मैं सुबह पाँच बजे उठता हूँ वेक अप ठीक है ये सड़क दिल्ली जाती है लीड तो ये वर्ब मैंने बता दिए हैं तुम्हें और तुम्हें इनको पहले सब्जेक्ट इंग्लिश करोगे फिर वर्ब लगाओगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उन रूल्स को ध्यान में रखते हुए और फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे और तुम्हें इजी रहेगा कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट से इस वीडियो के नीचे भी मुझसे पूछ सकते हैं अब बच्चों याद करो मैंने नेगेटिव का क्या रूल बताया था नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का बताया था सिंपल प्रेजेंट डू डज प्लस नोट प्लस वी वन और इंटेरोगेटिव में क्या था डू do, डज आगे लग जाएंगे फिर सब्जेक्ट और फिर वी वन अब बच्चों नई चीज आ गई अपने पास डू और डज ठीक है अभी तक तो वी वन और एस और ये कर रहे थे आप लेकिन अब हमें डू do, डज भी सीखना पड़ेगा डू do, डज भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगेगा और ये बिल्कुल याद करने में आसान है अगर तुमने मेरी पहली लिस्ट याद कर ली तो अब आई के साथ मैंने क्या बताया था एस सी एस नहीं लगेगा ठीक है और अगर मैं बात करूँ ही की तो मैंने बताया था एस एस लगेगा तो बच्चों ध्यान करो डू और डज अब तुम देखो एक क्लू है तुम्हारे लिए टिप याद करने की ठीक है ट्रिक तुम कह सकते हो डू और डज डी और डू में देखो एस सी एस नहीं लगा हुआ और डज में एस सी एस लगा हुआ है है ना डू में नहीं है एस या ई एस डज में है एस और ई एस इस। तो इसी से तुम याद कर लोगे वही अगर तुम टेबल याद कर लेते ना पहली वाली तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएगी अब जहाँ पर तुमने वहाँ पर एस सी एस को अप्लाई किया था किसी भी सब्जेक्ट के आगे जैसे ही के आगे किया था सिंगुलर के आगे किया था तो वहाँ पर यहाँ पर इस लिस्ट में हो जाएगा डज जहाँ पर पहली लिस्ट में एस ई एस लगा वहीं पर यहां पर लग जाएगा डज और जहां पर एस नहीं लगा था पिछली लिस्ट में वहां पर हो जाएगा डू क्योंकि डू में में एस नहीं लगा हुआ, में एस लगा हुआ हुआ डज है तो बच्चों देखो ये हुई ना एक ट्रिक बढ़िया सी अगर तुमने पहली लिस्ट अच्छे से याद कर ली तो डू डस तो तुम्हारे आसानी से ही हो गए अब देखो आई लव इंडिया याद करो सेंटेंस इस सेंटेंस को याद रखो आई लव इंडिया आई के साथ लव है ना एस सी एस नहीं लगा तो आई के साथ डू लग गया देखो लिस्ट के अंदर क्योंकि एस सी एस तो हमें लगाना ही नहीं आई के साथ ठीक है तो अकॉर्डिंग टू डेट लिस्ट ये बन गई अपनी डूडस do की लिस्ट आई डू वी डू यू डू दे डू ही डज शी डज इट डज राम या एवरी बॉय डज सीता या एवरी गर्ल डज सिंगुलर एक वचन डज प्लूरल बहुवचन डू ठीक है बेटा अब देखो उस एक लिस्ट की वजह से हमारी सेकेंड लिस्ट भी अपने आप तैयार हो गई डूडस की अब आप अपना ट्रांसलेशन कर लेते हैं नेगेटिव की और इंटरोगेटिव सेंटेंस की देखो पहले नेगेटिव है रमा खाना खाती है रमा खाना नहीं खाती नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों रमा लड़की का नाम है रमा लगा दिया अब लड़की के नाम के आगे एस सी एस लगेगा यानी कि डज लगेगा ठीक है डज नहीं की इंग्लिश नोट खाने की इंग्लिश ईट अब देखो बच्चों अपना रूल क्या था वी वन प्लस S -E -S. S -E -S -डस के साथ लगा चुके अब तो V1 ही लगेगी इंटेरोगेटिव में भी और नेगेटिव में भी तो यहाँ पर डज नॉट ईट होगा कभी इसमें भी तुम ईट्स कर दो वो गलत हो जाएगा रमा डज नॉट ईट फूड अगला देखते हैं सेकेंड क्या रमा खाना खाती है देखो वही डूडस में से डस लगेगा डस पहले लग जाएगा ठीक है डज रमा अब लगेगी बच्चों वर्ब ईट वी वन और फोर्ड और फिर लगेगा क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था रोहन नहीं पढ़ता रोहन डजेंट रीड क्या रोहन पढ़ता है रोहन सीता नहीं खेलती सीता डजेंट प्ले अब बच्चों डजेंट क्या है कॉन्टेक्शन फॉर्म लिखी है मैंने नोट को अलग भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो क्या सीता खेलती है डज सीता प्ले मैं टीवी नहीं देखता I do नॉट वॉच TV. क्या मैं टीवी देखता हूं डू आई वॉच TV? हम नहीं खेलते वी do not प्ले क्या हम खेलते हैं अब देखो बच्चों ये स्लाइड थोड़ी मेरी लेट हो गई तुम यहां पर इनको पढ़ लेना अच्छी तरीके से तो ये मैंने तुम्हें नेगेटिव की और इंटेरोगेटिव की ट्रांसलेशन करके बताई है अब बच्चों अपने मेन काम पर आते हैं ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए क्योंकि इंग्लिश में अगर तुम ट्रांसलेशन करना सीख जाओगे ना तो तुम्हें क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें कहानी पता है तुम ईजिली अपनी लैंग्वेज में उसको बनाकर लिख सकते हो लेकिन हमारे पेपर में ग्रामर के अंदर क्या आता है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये आता है यानी कि एक ब्लैंक आएगा और ब्लैंक में हमें पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ वर्ब जो वहाँ पर ठीक है एक्यूरेट है उसको फिल करना होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ फिल करेंगे तो सबसे पहले तो देखो बच्चों क्लूज ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं बच्चों मैं तुम्हें मोस्टली हर टेंस के अंदर क्लू बताऊंगी क्लू मतलब अगर ये वर्ड तुम्हें सेंटेंस में दिख जाए और तुम्हारी हिंदी भी उसके अनुसार जो भी हिंदी है उस टेंस की वो हो जाए तो हंड्रेड परसेंट वही टेंस आएगा इसके क्लूज क्या क्या हैं यूजअली आमतौर पर ऑफन बार बार ऑलवेज हमेशा डेली प्रतिदिन जर्नली आमतौर पर एवरी डे प्रतिदिन तो बच्चों ये छह हाँ पर लिखे हुए हैं जो क्लू हैं सिंपल प्रेजेंटेंस के नाइनटी नाइन परसेंट ये वर्ड्स वहीं लगते हैं जहां पर सिंपल प्रेजेंटेंस भरना होता है हमें ब्लैंक के अंदर ठीक है कैसे भरना होगा कैसे करेंगे मैं तुम्हें आगे बताती हूँ सेंटेंसेस के साथ सबसे पहला यूज कहाँ पर भरा जाएगा सिंपल टेंस टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन और रिपीटेड एक्शन जो हमारी आदत है जो हम डेली कर रहे हैं प्रतिदिन कर रहे हैं हमारी आदत में शुमार हो चुकी है लगातार वही काम रिपीट हो रहा है वहाँ पर हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा अब बच्चों जब यहाँ पर फॉर्म ऑफ द वॉ भरनी आएगी ना तुम ध्यान रखोगे दो चीज़ें पहली बात तो तुम्हें यूज़ पता होने चाहिए सबसे ज़्यादा यूज़ ना इसी टेंस के हैं बाकी कम होते जाएंगे आगे जाके यूज़ तो इसके हैं पाँच छः हैराम से इसके यूजेज़ तो तुम ध्यान रखना यूजेज़ याद करो और उस सेंटेंस जो तुम्हें दिया गया है उसकी हिंदी करो हिंदी पहचान तुम्हें यहाँ पर काम आएगी और फिर तुम देखो क्लू क्लू मिल रहा है हिंदी पहचान भी वही मिल रही है जो उस टेंस की है तो पर्टिकुलरली हंड्रेड परसेंट वही टेंस आएगा जो तुम दिमाग में सोच रहे हो जिसको देखो जो, जो हैबिचुअल एक्शन रिपीटेड एक्शन ही नेवर टेल्स अलाय वह कभी झूठ नहीं बोलता अब देखो ता गया ना ता है ते है ती है हिंदी पहचान देखनेंगे और क्लू देखेंगे यहाँ पर क्लू हमें कोई नहीं था लेकिन हिंदी पहचान यही कहती है कि ता है तेह ती है इसलिए हम भरेंगे यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस और साथ में ये हैबिचुअल एक्शन है डेली करता है वो कभी झूठ नहीं बोलता उसकी आदत है ठीक है अगला देखो वी यूजअली टेक ब्रेकफास्ट एट सेवन यूजअली क्लू है बटो बच्चों मैंने अभी बताया था देखो यूजअली तो यूजअली मतलब आमतौर पर ये क्लू है किसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का अब हिंदी करते हैं हम आमतौर पे सात बजे ब्रेकफास्ट खाते हैं आ गया ना हिंदी भी ते है आ गया और क्लू भी मिल गया तो हंड्रेड परसेंट इसमें सिंपल प्रेजेंटेंस आएगा अब हम क्या देखेंगे हम देखेंगे सब्जेक्ट वी हमें वर्ब मिली हुई है टेक ठीक है अब हमारे दिमाग में आएगा टेक आएगा या टेक्स आएगा हमें वो लिस्ट याद है वी के आगे तो ऐसी एस नहीं लगता हमने भर दिया टेक अगला देखो राम डैश अप एट सिक्स ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग राम सुबह छह बजे उठता है उसकी आदत है ठीक है यानी कि यूज हो गया ठीक है बिचुअल एक्शन है राम का अब ता है भी आ गया अपनी हिंदी भी आ गई बच्चों इसमें ना कोई क्लू नहीं है हमारे पास लेकिन ता है तेह ते है हिंदी पहचान हमारे पास आ रही है और गेट हमें भरनी है राम एक लड़के का नाम है एस सी एस लगाएंगे तो राम गेट्स एट सिक्स ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग अगला दे गो टू स्कूल बाय बस i often often देखो क्लू है अब play football our school begins at 8 am तो बच्चों ये सारे देखो क्लूज का ध्यान रखना जो मैंने क्लूज बताए थे ये जो क्लूज है वो तुम जरूर जरूर याद कर लो usually often always daily journaly और every day अब बच्चों बात करते हैं इसकी सेकंड यूज की ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों टू एक्सप्रेस परमानेंट साइंटिफिक जर्नल ट्रुथ पर्मानेंट जो हमेशा रहने वाला साइंटिफिक जो वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल एक्यूरेट है जर्नल ट्रूथ यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सच जो पहले भी ऐसा था आज भी वैसा है हमेशा ऐसा रहेगा उसे कोई चेंज नहीं कर सकता ऐसे सच सच जो होते हैं ऐसे उनके साथ हमेशा लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे ही द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में ढल जाता है वाटर बॉयज बच्चों ये बोर्ड में बार बार सेंटेंस आता है वाटर बॉयज एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजेज एट जीरो डिग्री सेल्सियस पानी सौ डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और जीरो डिग्री सेल्सियस पर जमता है वुड फ्लोट्स ऑन वाटर लकड़ी पानी पर तैरती है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है हनी टेस्ट स्वीट शहद मीठा होता है रोज स्मेल्स स्वीट गुलाब की खुशबू मीठी होती है अब देखो बच्चों सब में हिंदी आई ता है ते है ती है और ये वो सारे सेंटेंसेस थे जो साइंटिफिकली सच है यूनिवर्सल हैं परमानेंट हैं हमेशा रहने वाले हैं तो इनमें हमेशा लगेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस थर्ड यूज टू एक्सप्रेस अफेक्ट दैट इज़ ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ऐसा फैक्ट ऐसा तथ्य बताएं जो हम बोलते समय बिल्कुल सच है जैसे वेजिटेबल्स कोस्ट अलॉड दीज डेज इन दिनों सब्जियाँ बहुत महंगी मिलती हैं माय अंकल टीचर्स इन अ कॉलेज मेरे अंकल कॉलेज में पढ़ाते हैं मिल्क कोस्ट रुपीज सिक्सटी फाइव अ लीटर इन डेली मिल्क एक लीटर पैंसठ रुपए का दिल्ली में मिलता है अब देखो सबके आगे ता है, ते है ती है आया है ठीक है सिंपल प्रेजेंटेंस भरा जाएगा टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट दैट इज ऑलरेडी अरेंज फ्यूचर में होने वाली ऐसी कोई इवेंट कोई घटना जिसे पहले ही हमने प्लान कर लिया हो अरेंज कर लिया हो जैसे आर एग्जामिनेशन बिगिन ऑन मंडे बच्चों इसमें ना सिंपल फ्यूचर टेंस भी लग सकता है ऐसी बात नहीं यही लगेगा दोनों ठीक हो जाएंगे यहाँ पर तुम्हारे वी लीव बहादुरगढ़ एट टेन ए एम टमोरो हम कल दस बजे बहादुरगढ़ छोड़ देंगे और छोड़ते हैं देखो दोनों ठीक हो जाएंगे लीव भी चल जाएगा और वी शेल लीव होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है दोनों ठीक हो जाएंगे फिफ्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रनिंग कमेंट्री आप क्रिकेट देखने के अगर शौकीन है तो उसमें तुम देखते हो इंग्लिश में कमेंट्री चलती है वो बच्चों हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है जैसे सचिन थ्रोज द बॉल टू धोनी ही टचेज इट विद द स्टम्स एंड रिमूव द बेल एंड पॉन्टिंग इज आउट अब देखो जितने भी अंडरलाइन वर्ब हैं सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में फिल की गई हैं इन कंडीशनल सेंटेंसिज वैन द वर्ब इज इन मेन क्लोज इज इन द फ्यूचर टेंस बच्चों कंडीशनल सेंटेंसेज यानी कि जिन सेंटेंसेज में इफ वर्ड आता है आई एफ इफ ठीक है अगर या काश होती है इसकी हिंदी उसमें अगर जो मेन क्लोज है वो फ्यूचर टेंस में है यानी कि विल शेल प्लस वी वन में है तो हमेशा दूसरे ब्लैंक के अंदर वी वन प्लस एस ओ री एस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ही भरा जाएगा एग्जाम्पल देखो इफ आई गो टू शिमला आई शेल ब्रिंग एप्पल्स फॉर यू शेल ब्रिंग था तो हमने गो लगा दिया इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड अब विल वहां पर था तो हमने यहां पर लगा दिया वर्क वर्क ही रहेगा और लास्ट यूज़ है बच्चों सिंपल प्रेजेंटेंस का टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस कोटेशंस कहावतें जो कोई व्यक्ति बोलते हैं उनकी कोटेशंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए जैसे जॉन की सेज ठीक है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर तो तो ये तो थे बच्चों इसके यूजेस अब आते हैं एक और मेन पॉइंट पे मैंने इस वीडियो में ना तुम्हारे लिए मोस्ट ऑफ द बोर्ड सेंटेंसेस जो बोर्ड में रेगुलरली पूछे जाते हैं हैं बोर्ड के पेपरों में आते हैं, वो कंपाइल किए हैं ताकि तुम्हें ईजी हो जाए इन्हें अपनी कॉपीज में लिख लेना और जरूर जरूर समझ लेना और याद कर लेना क्योंकि ये बार बार बोर्ड के पेपरों में पूछे जाते हैं तो तुम्हार लिए है ले तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंसेज मैं रीडिंग ले लेती हूं तुम्हारे लिए ही जर्नली वीअर्स वाइट क्लोज वॉटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस ये बहुत बार थर्ड बहुत बार आता है बच्चों इनरेगुलर वर्क ब्रिंग सक्सेस ही हिज फादर रवि गोज आउट फॉर अ वॉक ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ रमेश नेवर टेल्स अ अलाय मीता रिजेंबल्स मदर आई गो आउट फॉर अ वॉक डेली माई फादर यूजली वेक्स अपट फाइव ए एम टू एंड टू मेक फोर ये भी बहुत बार आता है द गंगा राइज इन द हिमालज लाइन्स डू नॉट लिव ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो बच्चों ये वो सेंटेंसेस है जो बोर्ड में आम तौर पर बार बार पूछे जाते हैं तो ये सेंटेंसेस जो हैं आप ज़रूर जरूर, जरूर लर्न कर लें अब मैं कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए आप ज़रूर इनको सॉल्व करके अपने इंग्लिश टीचर को भेजें चेक कराएं नहीं तो आप कमेंट्स में भी इनके आंसर्स लिख सकते हैं मैं तुम्हें चेक करके बता दूंगी ठीक है या गलत है First sentence, I usually dash go to college by bus. Second, we dash pray to God daily. Third, Ram dash tell a lie. Fourth, she dash speak the truth. Fifth, Ramesh dash not learn his lesson. Sixth, when dash get up. Seventh, my father dash read newspaper every day. Eight, all the planet dash revolve round the sun. Nine, charity dash begin at home. 10 when dash you leave for mumbai 11 lizards dash not live for long time 12 barking dogs seldom dash bite 13 delhi dash stand at the bank of the yamuna 14 my birthday dash fall in december 15 sarla dash read in ninth class तो बच्चों ये कुछ फिफ्टीन सेंटेंसेस है आप फिल कैसे करोगे ध्यान करो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में लगेगा डू डस प्लस वी वन नोट वाले में डू डस प्लस नोट प्लस वी वन और जो बाकी बच गए उसमें वी वन यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वी वन प्लस एस एस सबसे पहले हिंदी करोगे ता है ते है ती है देखोगे उसके बाद क्लू देखोगे मैंने जो भी क्लू बताया तुम्हें वो भी मिलेंगे तुम्हें इन सेंटेंसेस में और फिर तुम उस लिस्ट के अकॉर्डिंग किसके आगे एस सी एस लगेगा वी वन के साथ किसके साथ नहीं किसके साथ डू लगेगा किसके साथ डज लगेगा उस लिस्ट को याद करके यहाँ पर इनको सॉल्व करोगे और यकीन मानो अगर तुमने ध्यान से पूरा अभी तक का वीडियो देख लिया तुम बहुत आसानी से इनको भर लोगे ठीक है आगे चलते हैं बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हिंदी पहचान रहा है रहे हैं रही है रूल क्या होगा बच्चों इज एम आर प्लस वी वन प्लस आई एन जी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ेगा इज या एम या आर कोई भी एक चीज लगेगी तीनों मत लगा देना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी जैसे प्ले प्लेइंग सिंग सिंगिंग डू डूइंग लिसन लिसनिंग ठीक है जैसे एग्जाम्पल देखो आई एम डूइंग माई वर्क नेगेटिव में क्या लगेगा बच्चों आसान है इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में कोई भी एक चुनेंगे हम नोट प्लस वी वन प्लस आई एन जी जैसे आई एम नॉट डूइंग माई वर्क और इंटेरोगेटिव में बच्चों इज एम आर सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा लगेगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार ही जो सब्जेक्ट होगा हम देखेंगे मैं बताऊंगी तुम्हें अभी कहाँ पर इस कहाँ पर एम कहाँ पर आर और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट जैसे एम आई डूइंग माई वर्क क्वेश्चन मार्क अब बच्चों देखते हैं वेयर टू अप्लाई इज एम आर इज एम आर कहाँ पर लगाएं बच्चों वही लिस्ट तुम्हें तुरंत याद आ जानी चाहिए जो मैंने शुरू में बताई थी आई वी यू दे ही शी इट राम फॉर एवरी बॉय सीता फॉर एवरी गर्ल सिंगुलर प्लूरल ठीक है ये लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताती हूँ कहाँ पर इज कहाँ पर एम कहाँ पर आर आई के साथ बच्चों हमेशा एम लगेगा और एम केवल इसी के साथ ही लगता है अब एम का रोल खत्म हो गया हमारा अब आर लगेगा और इज लगेगा वी आर यू आर दे आर ही इज शी इज इट इज राम या किसी भी लड़के के नाम के आगे इज सीता या किसी भी लड़की के आगे नाम के आगे इज सिंगुलर एक वचन इज प्लूरल बहुवचन आर ठीक है तो ये लिस्ट तो तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी कहां पर इज कहां पर एम कहां पर आर एग्जाम्पल देखो बच्चों आई एम लर्निंग इंग्लिश आई के साथ एम लगाया और लर्न में आई एन जी लग जाएगा क्योंकि वी वन प्लस आई एन जी है बच्चों एक्चुअली ना वी वन और आई एन जी ही बता रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस काम है लगातार इसका नाम भी तो है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कॉन्टिन्यू मतलब लगातार लगातार काम जब चल रहा होता है तो हम वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं जैसे डूइंग लिसनिंग स्पीकिंग ठीक है लर्निंग

काम लगातार हो रहा है यहाँ पर ठीक है और लगातार हो रहा है मतलब वी वन प्लस आई एन जी अब राम की इंग्लिश तो राम रहेगी खेल रहा है खेलने की इंग्लिश प्ले राम बच्चों लड़के का नाम है इज लगेगा राम इज और प्ले के साथ लग जाएगी आई एन जी प्लेइंग बच्चे नाच रहे हैं बच्चे चिल्ड्रन लूरल है तो आर लग गया नाचने की इंग्लिश डांस और उसके साथ आई एन जी लग जाएगा चिल्ड्रन आर डांसिंग पूजा सो रही है पूजा तो पूजा ही रहेगा लड़की का नाम है इज़ लगाएंगे सोने की इंग्लिश होती है बच्चों स्लीप स्लीप के साथ आई एन जी लगेगा स्लीपिंग मेरी माँ खाना बना रही है मेरी माँ माय मदर सिंगुलर है इज़ लग जाएगा खाना बनाने की इंग्लिश होती है कुक उसके साथ आई एन जी लग जाएगा कुकिंग और ऑब्जेक्ट खाना यानी कि फूड माई मदर इज कुकिंग फूड वे जा रहे हैं वे मतलब दे जा रहे हैं आर गोइंग राम स्कूल नहीं जा रहा है देखो नेगेटिव है इज एम आर प्लस नॉट प्लस बी वन प्लस आई एन जी लगेगा यहां पर राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल रमा लिख नहीं रही है ये भी नेगेटिव है बच्चों रमा इज नॉट राइटिंग क्या तुम दिल्ली जा रहे हो इंटेरोगेटिव है बच्चों इंटेरोगेटिव में इज एम आर को आगे ले आएंगे और फिर सब्जेक्ट लगाएंगे सब्जेक्ट देखो तुम था तो पहले थोड़ी सी जगह छोड़ के यू लिख दो अब तुम देखो इज एम आर में से यू के साथ क्या लगेगा आर वो आर आगे आ जाएगा क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है आर यू गोइंग टू डेली क्वेश्चन मार्क सूर्य चमक रहा है सूर्य द सन सिंगुलर है तो इज लग गया और शाइन शाइनिंग क्या बारिश हो रही है इज इट रेनिंग क्वेश्चन मार्क तो बच्चों ये थी ट्रांसलेशन होपफुली तुम्हें तो समझ में आ गई होगी अब मैं कुछ सेंटेंसेस तुम्हें दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए मैं टेंसेज सीख रहा हूँ पोजित खेल रहा है बारिश हो रही है सोहन बाजार नहीं जा रहा है क्या तुम काम कर रहे हो ठीक है अब देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर लगाना वर्ब के साथ आई एन जी लगाना और फिर लगाना ऑब्जेक्ट तुम्हारे ईजिली हो जाएंगे और अपने अपने टीचर्स को जरूर इनको ट्रांसलेट करके भेज देना अब बच्चों हमारे जो पेपर में आएंगे उसके अनुसार काम करते हैं हमारे आएंगे भरने तो भरने के लिए मैंने देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी कुछ क्लूज बताए थे ना यूजुअली जर्नली ये सब बताए थे अभी थोड़ी देर पहले डेली इसके भी क्लूज हैं बच्चों और ये क्लूज और हिंदी पहचान करते ही तुम श्योर हो जाओगे कि यही टेंस हमारे आएगा ब्लैंक के अंदर इसके क्लूज़ क्या है नाव मतलब अब एट द मोमेंट इस समय दीज डेज इन दिनो एट दिस टाइम इस समय डेज इन दिनो एट प्रेजेंट इस समय ठीक है तो ये सारे है, क्लूज हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टें टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो काम बोलते समय हो रहा है ठीक है जैसे इस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं बारिश हो रही है तो मैं कहूंगी इट इज रेनिंग जो काम बोलते समय हो रहा है वहां पर लगेगा प्रजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जैसे वी आर लर्निंग टेंसेज हम टेंर्न कर रहे हैं आई एम राइटिंग अन्टेंस मैं सेंटेंस लिख रही हूँ दूसरा टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस बट नॉट नेली गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बच्चों अब दूसरा यूज ये है कि कोई काम हो तो रहा है लगातार चल रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं कि बोलते वक्त हो रहा हो अभी ऊपर तो पता कहा था बोलते वक्त हो रहा हो उस काम में तो ऐसा काम जो लगातार चल तो रहा है लेकिन जरूरी नहीं कि बोलते वक्त हो रहा हो जैसे एग्जांपल देखो फिर तुम समझोगे आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज इन दिनों मैं फ्रेंच सीख रही हूं अब तो मैं बच्चों तुम्हें तो पढ़ा रही हूँ इससे मैं तो नहीं सीख रही ना लेकिन मैं अभी वीडियो जब मेरा हो जाएगा काम मैं पढ़ा चुकी होंगी तुमको तो मैं सीख रही होती हूँ उसको ठीक है तो काम तो हो रहा है फ्रेंच तो मैं सीख रही हूँ लेकिन बोलते समय चाहे नहीं हो रहा है अब देखो दीज डेज भी क्लू है बच्चों प्रेजेंट टेंस का आई एम रीडिंग दीज डेज मैं इन दिनों नॉवल पढ़ रही हूँ आई एम राइटिंग दीज डेज मैं इन दिनों नॉवल लिख रही हूं अब ये तीनों ही काम बच्चों हो तो रहे हैं कॉन्टिन्यूस में लगातार चलते रहे लेकिन बोलते समय नहीं हो रहे हैं स्टिल इनमें आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आगे चलते हैं बच्चों थर्ड और इसका आखिरी यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर नियर फ्यूचर जो आने वाला भविष्य है उसमें तुरंत जो होने वाला काम है उसको बताने के लिए भी इस टेंस का प्रयोग किया जाता है बच्चों ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आई थी ना ये बात कि अभी जो होने वाला है बिल्कुल जो प्लान कर दिया गया है फ्यूचर में उसके साथ तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस भी लगता है बच्चों और सिंपल फ्यूचर भी लग जाएगा वो भी बिल्कुल ठीक होगा गलत नहीं होगा अब देख लो जैसे आई एम गोइंग टू डेली टू अब मैं आज रात को दिल्ली जा रही हूँ अगर मैं ये कहूँ मैं आज रात को दिल्ली जाऊँगी बिल्कुल ठीक है लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ आज रात को मैं दिल्ली जा रही हूं तो यह भी बिल्कुल ठीक है ठीक है तो अगर तुम इसमें आई शेल गो करोगे तो वो भी बिल्कुल ठीक होगा वी आर प्लानिंग टू वॉच अ मूवी इन द इवनिंग द प्रेजिडेंट इज विजिटिंग रशिया नेक्स्ट मंथ तो बच्चों ये नियर फ्यूचर में होने वाले काम है जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भर सकते हैं अब बच्चों बोर्ड में आने वाले सेंटेंसेस सुनो रन फास्ट द ट्रेन इज विस्लिंग हरी अप द टैक्सी इज वेटिंग the boy who is wearing a blue shirt is my son they are going to report the matter to the principal lila is doing her homework don't disturb her look smoke is coming out of that window they are building a bridge across the river the gardener is watering the plants hurry up the train is moving who is knocking at the door now look the train is coming abacho तुम जब इन सेंटेंस को अच्छे से पढ़ोगे ना तुम देखोगे इसमें क्लूज भी है और सबकी हिंदी जब तुम करोगे तो आएगा रहा है रहे हैं रही है तो ये बोर्ड में आए हुए सेंटेंसेस से है जो लगातार आते हैं आप इनको जरूर याद कर लें ये ट्रेन वाले सेंटेंस तो बहुत बार ही पूछे जाते हैं अब बच्चों कुछ सेंटेंस मैंने तुम्हारे लिए यहां पर लिखे हैं ताकि तुम सोल्व करके अपने इंग्लिश टीचर को भेज सको वी डैश बाय अ कार ऑन मंडे सेकेंड दे डैश प्ले क्रिकेट Third, Neha dash learn German these days. Fourth, my father dash read newspaper now. Fifth, I dash do my work. Sixth, she dash have a bath. Seventh, we dash learn English now. Eighth, he dash write a letter. Ninth, my father dash sleep. Tenth. डैश डैश गो टू द मार्केट क्वेश्चन मार्क ये क्वेश्चन सेंटेंस है तो इज एम आर यहां पर आगे लग जाएगा और तुम्हें देखना पड़ेगा कि इज एम आर कहां पर लगेगा तो चलो अब आगे चलते हैं बच्चों सिंपल प्रेजेंट वर्सेज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बच्चों सिंपल प्रेजेंट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ये जो सेंटेंस में तुम्हें अब बताने जा रही हूँ छः सात वो बच्चों पेपर में आते हैं उनमें दो ब्लैंक होते हैं और एक ब्लैंक में आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और एक ब्लैंक में आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ठीक है क्लू भी देखेंगे हिंदी भी करेंगे तब कन्फर्म हो जाएगा ता है ते है ती है सिंपल प्रेजेंट टेंस रहा है रहे है रही है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस और क्लूज जो मैंने बताए थे वो तुम्हें याद करने हैं पहला सेंटेंस आई यूजुअली डैश टू कॉलेज बाय बस बट टुडे आई डैश ऑन फुट दोनों में गो आना है अब हिंदी करते हैं मैं आमतौर पर कॉलेज बस से जाता हूं लेकिन आज मैं पैदल जा रहा हूं हो गया ना बच्चों और यूजुअली क्लु भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो उसमें आ गया गो गो और दूसरे में आ गया एम गोइंग अब इसी तरह के सारे सेंटेंसेस हैं ध्यान से सुनो She usually drinks coffee but today she is drinking milk. 3rd He usually drives very fast but today he is driving slowly. 4th Gaurav plays badminton every day but today he is playing cricket. 5th My mother cooks rice on Sundays but today she is cooking pizza. 6th He always wears a blue coat, but today he is wearing a red coat. बच्चों ये छः के छः सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड में आए हुए हैं तो इन सेंटेंसेस को तुम अच्छे से लर्न कर लेना आगे चलते हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी पहचान चुका है चुके है चुकी है रूल होगा बच्चों हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अब देखो सीधा वर्ब फर, की फर्स्ट पे थे अपा गो वेंट गोन अब आगे सीधा गोन के ऊपर इसमें लगेगी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगा रूल देखते हैं अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस में हैज़ हैव प्लस वी थ्री जैसे ही हैज़ कम नेगेटिव में हैज़ हैव प्लस नोट प्लस वी थ्री जैसे ही हैजेंट कम और इंटेरोगेटिव में हैज़ हैव बच्चों आगे लग जाएगा फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे हैज ही कम क्वेश्चन मार्क अब बच्चों वही क्वेश्चन उठता है वेयर टू अप्लाई हैज हैव सब्जेक्ट में हैज कहाँ लगाएं और हैव कहाँ लगाएं है ना तो पहले तो तुम्हें वो लिस्ट याद हो आई वी यू दे ही शी इट राम फॉर एवरी बॉय सीता फॉर एवरी गर्ल सिंगुलर एक वचन प्लूरल बहुवचन अब देखो बच्चों तुमने पहले लिस्ट याद की थी ना एस सी एस वाली अब मैं तुम्हें एक टिप देती हूँ एक ट्रिक देती हूँ याद करने की हैज और हैव को अब ध्यान करो हैज में एस ई एस लग रहा है एस लगा हुआ ना हैज में एस आखिरी में और हैव में एस नहीं लग रहा ठीक है बहुत आसान से टिप दे रही हूँ मैं तुम्हें जरूर ध्यान रखो इसको अब देखो बच्चों जहाँ पर पहले लिस्ट में तुमने एस ई एस फिल किए थे कि भरे थे आएंगे जैसे किसी लड़के के नाम के आगे आया था लड़की के नाम के आगे आया था सिंगुलर के आगे एस सी एस लगाया था वहाँ पर तुम इसमें लगाओगे हैज़ क्लू क्या याद रखोगे दिमाग में ट्रिक क्या रखोगे हैज़ में एस आ गया तो जहाँ पर एस सी एस हमने पहली वाली लिस्ट में लगाया था वहाँ पर हम लगाएंगे हैज़ और जिनमें नहीं लगाया था जैसे आई में नहीं लगाया था वहां लगेगा हैव इस ट्रिक को तुम याद करके अगर याद करोगे तो तुम्हें फटाफट से एक लिस्ट याद करके तुम्हें देखो तीन लिस्ट याद हो गई हो गई ना तीन लिस्ट याद और यही हैज हमारे अगले टेंस में भी काम आने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी काम आने वाले हैं तो देख लेते हैं किसके साथ क्या लगेगा आई हैव वी हैव यू हैव दे हैव ही हैज शी हैज इट हैज किसी भी लड़के के नाम के आगे हैज़ किसी भी लड़की के नाम के आगे वी हैज सिंगुलर एक वचन हैज और प्लूरल बहुवचन हैव एग्जाम्पल देख लो बच्चों आई हैव डन माई वर्क वी हैव डन अ वर्क यू हैव डन योर वर्क दे हैव डन देअ वर्क ही हैज डन हिज वर्क शी हैज डन हर वर्क रोहित हैज डन हिज वर्क सपना हैज डन हर वर्क तो बच्चों देखो सब्जेक्ट के साथ मैंने हैज और हैव लगा दी हैं अब कर लेते हैं कुछ ट्रांसलेशन हम ताजमहल देख चुके हैं बच्चों हिंदी पहचान क्या थी चुका है चुके हैं चुकी है ठीक है हम की इंग्लिश वी अब वी के साथ एस सी एस नहीं लग रहा था तो यहाँ पर हैव लगेगा ठीक है वी हैव सी की थर्ड फॉर्म सी सॉ सीन द ताजमहल मेरी माँ खाना बना चुकी है माई मदर हैज कु द फूड रजत पढ़ चुका है रजत क्या तुम खाना खा चुके हो हैव यून योर फूड मैं घर खरीद चुका हूं आई है हाउस बच्चों कुछ सेंटेंसेज तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए मैं दे रही हूँ तुम अपने इंग्लिश टीचर्स को भेजोगे क्या तुम चाय पी चुके हो वह जा चुका है मेरी माँ अभी तक घर नहीं आई है तुम अपना समय व्यर्थ कर चुके हो हरी स्मोकिंग छोड़ चुका है अब बच्चों आते हैं इसके यूज के ऊपर अब जैसे मैंने बाकी दोनों टेंसेस के तुम्हें क्लू बताए हैं इसके भी क्लू हैं क्लू रहेंगे और ये बच्चों हंड्रेड परसेंट क्लू हैं ये वर्ड देखते ही तुम्हें भरना होता है परफेक्ट टेंस ठीक है जस्ट ऑलरेडी रिसेंटली येट जस्ट अभी अभी ऑलरेडी पहले ही रिसेंटली भी अभी अभी और येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है जहां पर नोट लगा हो वहीं पर ही आता है येट ठीक है अब देखते हैं यूजेस पहला टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन जो काम अभी अभी हो चुका है ठीक है अभी अभी हो चुका है वहां पर हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इट हैज जस्ट स्ट्रक नाइन अभी अभी नो बज चुके हैं शी हैज जस्ट फिनिश्ड हर होमवर्क वह अपना काम अभी अभी फिनिश कर चुकी है सेकेंड टू एक्सप्रेस रिसेंट पास्ट एक्शन एंड नोटिनेट पास्ट एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए अभी अभी हुआ पास्ट एक्शन जिसका टाइम हमें नहीं दे रखा लेकिन वो काम हो चुका है ठीक है आई हैव डन द जॉब हैव यू टेकन टी आई है ताजमहल तो बच्चों इसकी यही दो यूज हैं याद करने के लिए अब बोर्ड में आए हुए सेंटेंसेस हम पढ़ लेते हैं जो बोर्ड में रेगुलरली आते हैं माई मदर हैज़ जस्ट अराइव फ्रॉम करनाल देखो जस्ट क्लू है आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट येट भी क्लू है आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क ही हैज़ जस्ट लेफ्ट फॉर ऑफिस जस्ट क्लू है द पोस्ट मैन हैजेंट कम येट येट भी क्लू है हैव दे वन एनी मैच फॉर सो फार द क्लॉक हैज़ जस्ट रक ट्वेल्व जस्ट क्लू है शी हैजेंट फिनिश्ड हर होमवर्क येट येट क्लू है ही हैज ऑलरेडी डन हिज होम वर्क ऑलरेडी क्लू है राम हैज गेयर जस्ट भी क्लू है बच्चों जस्ट ऑलरेडी को तुम ध्यान रखना 99% नाइन परसेंट ये हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में आएंगे देखो इसमें सारे वर्ड्स देखो तुम ऑलरेडी और जस्ट हैज हैव के बाद है और वी थ्री से पहले हैं तो ये बीच में आते हैं इनको तुम ध्यान रखना ये हमें ब्रैकेट में मिलेंगे भरने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुछ सेंटेंसेज है तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए I dash buy a new house. You dash waste my time. She dash recently come. I dash be to Shimla. He dash just post a letter. Dash you ever dash see the taj? The phone dash just stop ringing. Her case just give up smoking. I dash not finish this chapter yet. She dash just finish her dinner. येट का याद रखना तो येट वही लगेगा जहां पर नोट आएगा ठीक है येट हमेशा नेगेटिव में होता है तो ये तो था अपना बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब लास्ट पे आते हैं आज के वीडियो के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हिंदी पहचान से रहा है से रहे हैं से रही है अब देखो बच्चों रहा है रहे है रही है किसका था अभी हिंदी पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तुम तो इस टेंस का नाम देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस यानी कि इसमें परफेक्ट भी आएगा और कॉन्टिन्यूअस भी आएगा ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट का क्या था अपना रूल हैज हैव है थ्री तो पहले बच्चों पाने हैज हैव ले लिया किससे ले लिया प्रेजेंट परफेक्ट से ले लिया अब कॉन्टिन्यूस मैंने क्या बताया था हमेशा लगेगा ही लगेगा वी वन प्लस आई है ना मैंने बताया था ना वी वन और आई तो पहचान है कॉन्टीन्यूस की तो वो भी ले लिया बच्चों हैज़ हैव अपने बाद हमेशा वी लेते हैं और परफेक्ट का रूल भी तभी पूरा होगा जब हम हैज़ हैव के बाद वी लगा देंगे तो यहां पर ना हम एक और वर्ब तो नहीं लगा सकते क्योंकि वर्ब के साथ हमने आई एन जी भी लगानी है पीछे तो यहां पर बी ई बी हमारी रेस्क्यू करने हमारी मदद करने आएगा बी की तीन फॉर्म बी बींग, बी बी आई एन जी और थर्ड होती है बी डबल ए, न, बीन तो यहां पर बीन लगाएंगे हम बीच में और रूल हो जाएगा प्लस आई एन जी अफर्मेटिव सेंटेंस देख लो बच्चों

i have been teaching here since 2019 क्या माली सुबह से पौधों को पानी दे रहा है has the gardener been watering the plants since morning अब बच्चों कुछ सेंटेंसेस तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए हैं राम सुबह से योग कर रहा है सपना एक घंटे से खाना बना रही है वे 4 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं क्या वे सुबह से बाहर घूम रहे हैं मैं इस घर में 2019 से रह रही हूं ठीक है अब देखो बच्चों से रहा है अब देखो रहा है तो कॉन्टिन्यूस हो गया ये से क्या है ये बच्चों टाइम टाइम को डिनोट कर रहा है और इस से की इंग्लिश होती है दो चीजें हो सकती हैं सेंस या फोर जो कि क्लू भी हैं हंड्रेड परसेंट क्लू हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस के फोर और सेंस जब किसी सेंटेंस में हमेशा आता है पेपर में एक फोर और सेंस का फोर और सेंस लगे हुए तुम्हें दिखाई दे तो श्योर हो जाओ तुम्हारे पेपर के अंदर जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें आना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी कि हैज हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आई एन जी अब पहले ना फोर और सिंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं आखिर ये है क्या फोर और सिंस फोर पीरियड ऑफ टाइम बच्चों फोर समय के अंतराल को बताने के लिए फोर का यूज किया जाता है दैट इज द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच एन एक्शन हैज गोन एक समय जिसके अंदर एक जो समय है एक्शन गया हो एक अंतराल हो एक गैप हो समय का जैसे तीन साल थ्री ईयर्स छः महीने सिक्स मंथ्स अ लॉन्ग टाइम एक लंबा समय अ वीक एक हफ्ता अ ईयर एक साल अ मंथ एक महीना टू आवर्स दो घंटे अब देखो बच्चों ये समय का गैप है अंतराल है पीरियड ऑफ टाइम है तो यहाँ पर हम लगाएंगे फोर और सिंस होता है बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम जब तुम्हें एग्जैक्ट समय दे रखा हो जैसे दैट इज देंथ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन किसी चीज का शुरुआती समय शुरुआती बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है टू ओ क्लॉक दो बजे मॉर्निंग सुबह इवनिंग शाम आफ्टरनून दोपहर फाइव ओ क्लॉक पांच बजे नाइनटीन एटी फाइव उन्नीस सौ पिचासी देखो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है जुलाई येस्टडेस्टे मतलब बीता हुआ कल मंडे सोमवार तो बच्चों सिंस और फोर क्लू है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के इसका यूज एक ही है बच्चों टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट दैट बिगन समाइम अगो इन द पास हैज़ कॉन्टीन्यू टिल नाउ एन इज स्टिल गोइंग ऑन बच्चों उस एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ हो अभी भी चल रहा है और कुछ समय तक चला भी है ठीक है उस एक्शन को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ किया जाएगा फोर और सिंस तुम्हें जरूर मिलेंगे एग्जाम्पल देखो ही हैज़ बिन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग आई हैव बिन लिविंग हीय सिंस नाइनटीन एटी फाइव अब बच्चों कुछ बोर्ड में आए हुए सेंटेंसेस कर लेते हैं पक्का तुम याद कर लेना एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का हमेशा ही हमेशा पेपर में आता ही है ही हैज बिन वर्किंग इन द बैंक सिंस नाइनटीन सेवेंटी सिक्स इट हैज बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग ये तो हमेशा आता है सेकेंड सेंटेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है आई हैव बिन लिविंग हीयर सिंस नाइनटीन फिफ्टी एट ही हैज़ बिन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड सिंस संडे We have 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 been 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 living in since since 1984. My my clothes are dirty because I have been washing my car. I washing car. working hard since 1999. तो बच्चों ये आप अच्छे से कर लें लें। और समझ अब कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। सिंस वेन डैश यू वर्क इन दिस ऑफिस क्वेश्चन मार्क ही डैश रीड अ बुक सिंस मॉर्निंग थर्ड द बुक डैश मिस फॉर फोर डेज फोर्थ आई डैश टीच हियर फॉर एट मंथ्स फिफ्थ ही tired बिकॉज ही डैश प्ले फॉर अ लॉन्ग टाइम सिक्स आई डैश वॉश माई कार सिंस मॉर्निंग सेवेंथ शी डैश मिस सिंस लास्ट फ्राइडे एट दे डैश बिल्ड द ब्रिज फॉर several months. नाइन्थ आई डैश डू माई होमवर्क टेंथ ही डैश राइट अ लेटर ये देख लो बच्चों ये स्लाइड थोड़ी मेरे से देर से हुई है तुम ये देखकर अपने इंग्लिश टीचर को सॉल्व करके जरूर भेजना और ये हो गया हमारा प्रेजेंटेंस कंप्लीट मैंने इस वीडियो में तुम्हें बहुत सी टिप्स दी हैं बहुत सी ट्रिक्स सिखाई हैं और बोर्ड के सारे के सारे सेंटेंसेस मैंने तुम्हारे लिए कंपाइल की है बहुत मेहनत से मैंने वीडियो तैयार किया है अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगेगा कमेंट में मुझे बताना कि पास्ट और फ्यूचर का भी ऐसा मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए ठीक है अगर तुम्हें मेहनत अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना मैं ज़रूर बनाऊंगी और अगर तुम्हें लगा हो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया तो बेटा अलग बात है फिर मैं भी नहीं करूँ करूँगी इतनी कोशिश लेकिन मैंने मेरी तरफ से पूरा बेहतरीन प्रयास किया है तुम बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे इजिली तुम्हें बताने की कोशिश की है सारे क्लूज बताए हैं ठीक है ठीके? अगर आप इस तरीके से टेंसेज को प्रिपेयर करेंगे तो श्योरली आपके कभी भी टेंसेज में मार्क्स नहीं कटेंगे और ये तो बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेज जो बहुत आगे तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक भी तुम्हारे पास आएगा और इवन अगर तुम्हें इंग्लिश में बोलना है फ्लुएंसी तुम्हें इंग्लिश में चाहिए देन यू हैव टू हैव टू लर्न टेंसेज ठीक है तो अच्छे से करें लाइक करें वीडियो को कमेंट करना ना भूलें अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर ऑल ऑफ़ यू